अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता करी। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए, धनिया तो चॉप कर लीजिए, मीट बॉल ले लीजिए, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। दही, नमक, मिर्च, हल्दी, मेथी, खुश धनिया, सारे मसाले लहसुन और अदरक, इनको साबुत ले लीजिए। प्याज ऑयल में डाल दे, कढ़ाई में ऑयल डाल से प्याज डालिए और उसको अच्छी तरह से आप फ्राई करें। प्याज साथ ही लहसुन को भी डाल दें। जब प्याज थोड़ा सा हो जाए तो उसके साथ ही लहसुन भी डाल दें। लहसुन को साबुत ही डाल दें क्योंकि हमने इस मसाले को बाद में ड्रेन करना है। फिर जब प्याज हो जाए तो इसमें खुश मसाले भी आप डाल दीजिए। जब ये सारे मसाले अच्छी तरह से हो जाएँ, फ्राई हो जाएँ, फिर आप इसमें डालिए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। हरी मिर्च भी साथ ही डाल दीजिए। फिर जब ये टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इनका पानी खुश हो जाए, तो इसे ब्लेंडर में डाल दे, मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। फिर जो ऑयल आपने था वो आपने स्ट्रेन कर लेना है मसाले में से, वो जो पहले आपने डाला हुआ था उसी के अंदर मसाला डाल के फ्राई करना है। फिर दही डाल देना है। दही को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद, जब दही अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो कोफ्ते आपने लिए थे वो आपने आराम से उठा कर सालन के अंदर डाल देने हैं। और ये याद रखना है कि उसमें चम्मच नहीं हिलाना आपने, उसे इसी तरह पतीले को पकड़ते हिलाना है और उसे थोड़ी देर फ्राई होने दे। तो 15 मिनट उसे फ्राई होने दे, अच्छी तरह से हिलाते रहें साथ साथ। तो फिर माशाल्लाह देखें आप, इतना अच्छा सालन बन तैयार होता है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सालन हमारा बन तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब को पसंद आएगी रेसिपी और आप सब ज़रूर ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।